महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कुमाऊँवाणी के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र गोपाल गुरानी का नमस्कार। दोस्तों, आप सब जानते हैं कैंसर, कहते हैं ना हमारे समाज में बहुत सारे शब्द आते हैं कैंसर की तरह फैल गया। किसी व्यक्ति पर अगर किसी के गलत निर्णय आते हैं तो कैंसर, यानी कैंसर एक इतना खतरनाक रोग है जिससे लोग हमेशा भयभीत रहते हैं कि कैंसर आखिर है क्या। इसके बारे में कहीं न कहीं जानकारी का अभाव भी है और बचाव की प्रक्रिया भी नहीं है, जिसके लिए आज हम इस कार्यक्रम के तहत आपको जानकारी देंगे कि कैंसर है क्या। इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ हैं स्वास्थ्य सलाहकार जिला अल्मोड़ा से हेमलता भट्ट जी, जो जिला अल्मोड़ा सदर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और समय समय पर हमें अपने जो सलाह हैं, विभागीय सलाह हैं, गतिविधियां हैं, उन पर कुमाऊँवाणी को सहयोग देती हैं। मैम, आपका स्वागत है पुनः कुमाऊँवाणी में। धन्यवाद कुरानी जी, धन्यवाद श्रोताओं। हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या है। गुरानी जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल अपने श्रोताओं के लिए खड़ा किया है कि कैंसर क्या है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कैंसर क्या है, ये हमारे भविष्य के लिए किस तरह से खतरा बनना है। तो कोशिश ये करूंगी और एक बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूंगी, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कैंसर क्या है। सबसे पहले कैंसर क्या है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो कि हमारे शरीर को पूरी तरह से तोड़ देती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों स्थिति से व्यक्ति को कमजोर कर देती है। अगर हम देखते हैं शारीरिक जांच, तो शारीरिक रूप से कैंसर जब व्यक्ति को घेरता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति शरीर से, मन से टूट जाता है और उसके अंदर एक भय आना शुरू हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा या मेरे से जुड़े लोगों का क्या होगा। वो अपने साथ साथ अपने परिवार की चिंता में ग्रसित हो जाता है। जब वो कैंसर के रोग से ग्रसित होता है तो कहीं ना कहीं शरीर की बीमारी तो उसकी पहले होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो मानसिक रूप से भी दबाव में आ जाता है। जब वो मानसिक रूप से दबाव में आता है तो कहीं ना कहीं एक बीमारी जो उसे पहले से ही सता रही होती है, कैंसर, साथ में इसके साथ साथ वो मानसिक रूप से भी अक्षम हो जाता है, मानसिक रूप से भी तनाव में आ जाता है। जब वो इन दो बीमारियों के साथ लड़ रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने दुख को साबित तो नहीं कर सकता है, प्रूव नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने परिवार को इससे बचाने के लिए कोशिश करता है कि किसी तरह से मैं बीमारी की ओर धकेला गया हूँ अपने कारण या अपने शरीर की कमजोरी के कारण, तो किसी जगह किसी वजह से कहीं ना कहीं मैं इस रोग से बच जाऊं और ये कोशिश करूं कि मेरा परिवार जो मुझ पर डिपेंड है वो इस कर्क रोग से मुझे और मेरे परिवार को लड़ने की शक्ति दे। तो ये तो व्यक्ति की क्या थी, एक मनोदशा। लेकिन साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति को कैंसर लगता है, कैंसर की बीमारी लगती है, तो उसके साथ उसकी आर्थिक स्थिति बहुत माली हो जाती है। कैंसर एक बहुत खर्चीले रोग का कारण है जिसमें कि व्यक्ति को बहुत सारा पैसा अपनी बीमारी के साथ खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कैंसर जो एक बीमारी है जो एक भयावह रूप लेके हमारे सामने आ रही है और इसका जो कारण है वो बहुत दुखदायी होता है। तो परिवार के साथ साथ व्यक्ति विशेष जो कैंसर से लड़ रहा होता है वो कहीं ना कहीं उसके दिल में जीने की आस, जीने की उमंग लेके वो अपने साथ, अपने से जुड़े लोगों के साथ के बारे में सोचना शुरू करता है। तो जो ये कैंसर रोग है ये एक बहुत ज्यादा
भयंकर बीमारी है। दूसरे शब्दों में इसे कर्क रोग भी कहा जाता है, लेकिन ये कर्क रोग का नाम सुन के सामान्य जन बहुत ज्यादा जो होता है भयभीत हो जाता है, और एक और ये मृत्यु का पर्याय भी बन चुका है। इस रोग की अवस्था में अगर हमें पता चल जाए कि प्रारंभिक अवस्था में हमें कैंसर हो रहा है, या शुरुआती दौर में हम इसका निदान करना या उपचार करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं हमें इससे आराम मिल जाएगा और हम इस रोग को बढ़ने से रोक सकते हैं। सवाल यह आता है कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? मैम थोड़ा सा हमें लक्षणों के बारे में बताएंगे ताकि श्रोताओं को लग रहा हो कि कहीं मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, तो उनको जानकारी भी मिल जाएगी। कैंसर क्या है, कैंसर के शुरुआती लक्षण या कैंसर के लक्षण क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी अवस्था है जो बड़ा, बुजुर्ग या बच्चा, स्त्री या पुरुष, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने पकड़ में ले लेता है। वो अवस्था या किसी भी जेंडर को नहीं छोड़ता है, यानी कि वो ये नहीं देखता है कि ये पुरुष है या ये महिला है। तो कहीं ना कहीं कैंसर जो के लक्षण जो होते हैं वो हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी शरीर की स्थिति को गड़बड़ा देता है। जब कैंसर होता है तो कैंसर की स्थिति में हमारा शरीर मन पूरी तरह से टूट जाता है। कैंसर के कई प्रकार हैं या कैंसर के जो है लक्षण काफी हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो कैंसर है वो महिला, पुरुष और बच्चों किसी को भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो कैंसर के प्रकार हैं वो है सर्वाइकल कैंसर, ब्लड कैंसर, कैलोरेक्टल कैंसर, स्तन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और बोन कैंसर या ब्लड कैंसर। ये तो कैंसर के प्रकार हो गए हैं। जब भी किसी की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती है तो हमें अमूमन इस तरह के कैंसर होते हैं। जब ये कैंसर हमारे शरीर को लगते हैं या ये कैंसर की बीमारी हमारे शरीर को लगती है, तो कहीं ना कहीं से मन और शरीर पूर्ण तरह टूट जाता है। तो इसमें एक शुरुआती दौर का जो कैंसर है, अगर हम महिलाओं की बात करें तो हम देखते हैं कई बार ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं या घर में काम करने वाली महिलाएं या जहां पर कि ऐसी जगह भीड़ में अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहां पर अगर व्यक्तिगत शौचालय नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो कामकाजी महिलाएं होती हैं या घरेलू जो महिलाएं होती हैं वो अपने काम के एवज को ज्यादा महत्व देती हैं, और इस स्थिति में वो महिलाएं या वो पुरुष अपना शौचालय जाना बंद कर देती हैं। यानी कि वो दिन भर में उन्हें जब भी बाथरूम लगती है तो वो बाथरूम जाना बंद कर देती हैं, और जब वो इस तरह से बाथरूम रोक के रखे रहती हैं तो कहीं ना कहीं जो बाथरूम हमारी दिन भर रुकी हुई है उसकी वजह से हमें गर्भाशय का कैंसर होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो अक्सर ये होता है कि हमारी थोड़ी सी नादानी या थोड़ी सी गलती या थोड़ा सा लापरवाही हमारे शरीर को कैंसर की ओर धकेल देती है। आपने जो ये जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, विशेषकर महिलाओं को, कि वेसाब को रोकना नहीं चाहिए, और मैं यह भी कहना चाहूंगा पुरुषों को भी इस चीज के लिए ध्यान देना चाहिए। हमारी दादी भी कहती है और वो भी कहते थे, पुराने बुजुर्ग लोग, पेशाब को ज्यादा देर रोकना नहीं चाहिए। मैडम ने एक जानकारी दी कि जो कैंसर हो सकता है वह एक कारण यह भी है। मैम इस पर आप कुछ और कहना चाहेंगी क्या? सबसे पहले मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि हम जब भी अपनी लाइफ स्टाइल बदलते हैं या अपना तरीका बदलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जेनेटिक गतिविधियों को, हमारे अनुवांशिक गुणों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं या अनकंट्रोल कर देते हैं। तो उससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत रिश्तों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अमूमन हम देखते हैं कि हम जो लाइफ स्टाइल जीना चाह रहे हैं, और देखा जाए तो 21वीं सदी की दौड़ में आज हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा आराम नहीं दे पा रहे हैं, और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन
ये बहुत सारी बीमारियों से हम अपने को घेरे हुए हैं। जानते समझते बूझते हुए हम लोग अपने को इन सारी चीजों के साथ, इन सारी गतिविधियों के साथ आगे को धकेल रहे हैं, लेकिन इसका एक मेन कारण है हम सामाजिकता की अंधी दौड़ पर शामिल हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग अपने शरीर को, अपने मन को कहीं ना कहीं तकलीफों से, कहीं ना कहीं बीमारियों से जरूर घेर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना शरीर का ध्यान देना होगा। अगर हम अपने शरीर से कमजोर होते हैं तो हम सामाजिक गतिविधियों पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हम अपने परिवार को जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना सोच रहे हैं, तो यदि हमारा शरीर ही सही नहीं होगा तो आर्थिक रूप से हम कैसे सक्षम होंगे, ये हमें पहले सोचना है। तो हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यदि हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ होगा तभी जाके हम आर्थिक रूप से भी अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, सामाजिक रूप से भी हम अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं। तो हम यदि स्वस्थ होंगे तो कहीं ना कहीं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन के द्वारा ही हम अपने समाज को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचे कि यदि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और खुद मैं अपना ध्यान रखूंगा तो ऑटोमेटिकली समाज का प्रत्येक व्यक्ति वो स्वस्थ हो जाएगा और उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी और वो अपने शरीर और अपनी क्रियाओं को स्वतः ही नियंत्रित कर सकता है। मैम, जैसे कि इस कार्यक्रम में विशेषकर हम अपनी महिलाओं के लिए ही और दीदी बहनियों की बात कर रहे हैं, दीदी बहनियों का मतलब जो हमारे बीच में महिलाएं हैं समाज में, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कड़ी माँ होती है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरी बात, ये जो पर्वत के आंचल है, यहाँ महिला और जो बच्चे विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पुरुष तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में रहते हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल मिल जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते, महिलाएं, विशेषकर महिलाएं ज्यादा हैं हमारे समाज में यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि क्या महिलाओं के लिए जो कोई विशेष और कारण भी होते हैं कैंसर के, जैसे आपने बताया था कि गर्भाशय का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बहुत एक अच्छा माध्यम जो आपने कुमाऊं वाणी के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के बारे में समझाने का रखा है। तो इस कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं को गर्भाशय के कैंसर के अतिरिक्त भी और भी कई प्रकार के कैंसर का खतरा बना रहता है। तो उसमें एक कड़ी और है स्तन कैंसर की, यानी ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर उन स्थितियों में होता है जब हमारी स्तनों का आकार बदलने लग जाता है या हमारे स्तन में गांठ होने लग जाती है या हमारे स्तन में कड़ापन या हमारी कड़ापन आना शुरू हो जाता है या जो स्तन होता है उसके निप्पल अंदर की ओर को धंसने लग जाते हैं या निप्पल अंदर की ओर मुड़ने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त निप्पलों में से अकस्मात कोई ना कोई स्राव निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि दूध की तरह चिपचिपा पदार्थ निकलने लग जाता है या उसमें से कट लग के ब्लड भी निकलता है, ब्लड के साथ पस भी निकलना लग जाता है। तो यदि महिलाओं को स्तन में इस तरह से कोई भी बदलाव या गांठ या कुछ अलग तरीके का आकार नजर आने लगे या दोनों स्तनों में से एक स्तन में कहीं भी परिवर्तन नजर आता है तो अमूमन हर स्त्री को सजग होके अपने शरीर को कम से कम नहाते समय या जब वो कपड़े चेंज कर रही हो तो उनको एक बार अपने स्तन को जरूर देखना चाहिए कि कहीं मेरे शरीर में, मेरे स्तन में किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है या हो सकता है उन्हें किसी तरह का कोई दर्द महसूस हो, तो तुरंत ही अपनी समस्या या अपनी उलझन को समझें। और शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, यदि आप शर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने शरीर से आप एक छलावा करते हैं और ऐसी स्थिति में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाओं से आप बच सकते हो। स्वास्थ्य भी एक ऐसा नजरिया है जो कि रोगों को बढ़ावा तो देता है लेकिन रोग क्या होता है, दुर्घटना के कारण बनते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी समाज की जो प्रत्येक स्त्रियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी विकृतियां जब आती है तो उन विकृतियों को सोचें, समझें, मनन करें, अपने बड़े, अपने छोटों, जिससे भी आप चाहें उसको डिस्कस करें।
ना कि उस बीमारी को छुपाने की कोशिश करें। यदि आप उस बीमारी को छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं वो छोटी सी बीमारी कल बड़ा रूप ले सकती है और जो कि आपके शरीर के लिए घातक हो सकती है। तो इस तरह से यदि महिलाओं के स्तन में या उनके आकार में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नजर आता है या कोई भी स्राव आपके स्तन से हो रहा है तो उसको समझें, देखें, घबराएं नहीं, उसको अन्यथा ना लेके जाएं, बल्कि उसके उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। यदि आप सलाह लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। और यदि आप उसे छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप अपने को पनिशमेंट करें, अपने को सजा देने, सजा और सजा से कुछ आगे बढ़कर आप जा सकते हो। लेकिन यदि आपने समय रहते समझदारी के साथ अपनी समस्याओं को अपने निकटतम डॉक्टर को या अपने स्वास्थ्य सलाहकार से आप उसको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं या उस रोग को वहीं पर रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर स्त्री हर पुरुष को अपने शरीर का पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि हम किसी भी खतरे या किसी भी बीमारी के आने से पहले ही उसका निदान उपचार कर सके और अपने शरीर में बढ़ते हुए रोगों को रोक सके। मैम आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को आप जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप अपने जीवन साथी को भी जरूर बात बताएं। हो सकता है आपके पति देव दिल्ली बम्बई कलकत्ता में हों और आपने कहा भैया त्याग की मूर्ति बन जाती हूँ, ये त्याग की मूर्ति कल आपके पति देव के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि कैंसर से बचना है तो मैडम की बताई हर सलाह को आप मानेंगे और कहीं न कहीं कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। मैं यही कहूंगा दुनिया में कोई बड़ी बीमारी नहीं है अगर आप हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। अरे जाना तो एक दिन है ही यार, हंस के जाएंगे, याद रखना। इसलिए जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक आपको बीमारी घर आपके दिल की मैं नहीं कर सकती है। आज इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे मैडम से अगले कड़ी में शायद कैंसर की कुछ और जानकारियों को लेकर। कस लगो दिदभूली ये प्रोग्राम आपकी जरूर बताया अखिल, बार बार मैं आप दगड़ हूँ गोपाल गुरानी दगड़ और मैं हिमलता आपको बार बार ये दूल की स्वास्थ्य कसी उत्तम धरा कसी भलखाया भल सोचिया और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। चलते, चलते।